ये कहानी उस छोटे से गांव की है जहां आज भी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। वहां के लोग आज भी पुरानी परंपरा के नाम पर अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही ब्याह देते हैं। एक ऐसी ही परंपरा के नाम पर अनिका की जिंदगी को भी बलि चढ़ा दिया गया था। अभी तो अनिका की खेलने कूदने की उम्र थी, उस मासूम सी बच्ची की उम्र तो सिर्फ 12 साल की ही थी। अनिका को तो रिश्तों का सही से मतलब भी नहीं पता था, जब उसे नए रिश्तों की डोर में बांधा जा रहा था। उस बच्ची से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई थी कि उसने एक ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां के लोग परंपरा के नाम पर अपनी ही बेटियों की भेंट चढ़ा देते थे। अनिका और उसके पास वाले घर में रहता पृथ्वी खेल खेल में अपने गुड्डा गुड़ियों की शादी करवा रहे थे। अनिका के पास उसकी गुड्डी थी और पृथ्वी के पास उसका गुड्डा। दोनों ने ये गुड्डा गुड्डी गांव में लगे मेले में से एक साथ में ही लिए थे। पृथ्वी और अनिका ने अपने गुड्डे गुड्डी की शादी में अपने दोस्तों और सहेलियों को भी बुलाया था। अभी तो अनिका और पृथ्वी के गुड्डा गुड्डी की शादी पूरी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही अनिका के बापू ने आकर अनिका को उसकी शादी का जोड़ा दिया और कहने लगे, जाओ जाकर इसे पहन लो। अनिका ने खुशी से वो जोड़ा अपने हाथों में लिया और पूछने लगी, बापू क्या ये जोड़ा मेरे लिए है? बापू तुम ये जोड़ा मेरे लिए इसीलिए लेकर आए हो ना, ताकि मैं अपनी गुड्डी की शादी में पहन सकूं। उसके बाद अनिका ने उस खूबसूरत जोड़े को अपने आप पर लगाया और कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कि तभी अनिका के बापू उसे कहने लगे, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं है गुड्डे गुड़ियों से खेलने की। इतना कहकर अनिका के बापू ने गुस्से से अनिका के हाथों से उसकी गुड़िया ले ली और कहने लगे, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। अनिका के बापू उसकी गुड़िया लेकर चले गए, लेकिन अनिका तो अपने सुंदर जोड़े को निहारने में ही व्यस्त थी। अनिका को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि उसके बापू ने उसे इतना खूबसूरत जोड़ा क्यों लाकर दिया था। वो तो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि ना जाने आज बापू को क्या सूझी जो वो मेरे लिए इतना सुंदर जोड़ा ले आए हैं। पहले तो कभी बापू ने त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। अनिका सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ उसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। अनिका अपनी माँ की इकलौती संतान थी और वो अपनी माँ की बहुत ही लाडली थी। अनिका भले ही सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन उसे आज भी अपनी माँ के प्यार की वो झलकियाँ याद है, क्योंकि अनिका की माँ उससे बहुत प्यार किया करती थी। अनिका की माँ की मौत के बाद उसकी माँ के प्यार की कमी पास में रहते पृथ्वी की माँ ने पूरी की थी, जिसे अनिका काकिसा कहकर बुलाती थी। पृथ्वी की माँ जमुना और अनिका की माँ मंगला एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियाँ बन गई थी। जब तक अनिका की माँ जिंदा थी वो दोनों जहाँ भी जाती थी साथ साथ ही जाती थी। अनिका की माँ की मौत के बाद अनिका ज्यादातर जमुना के पास ही होती थी, सिर्फ सोने के लिए ही अपने घर आती थी। अनिका ने अपने बापू का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया जिसके पूरे लहंगे पर सिल्वर गोटा वक किया हुआ था। जोड़े के साथ साथ अनिका के बापू अनिका के लिए नाक की नथनी, सोने का हार और ढेर सारी चूड़ियां भी लेकर आए थे, जिसे पहनकर अनिका बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब अनिका पूरी तरह से तैयार हो गई, तभी पृथ्वी की माँ उसके घर आ गई और कहने लगी, क्या बात है अनिका, आज तो तू बड़ी फुटरी लागे से। तब अनिका कहने लगी, आप सच कह रही हैं काकीसा, मैं इस जोड़े में सच में फुटरी लागूं क्या? तब जमुना कहने लगी, अरे हाँ बाबा, सच में आज तू बड़ी फुटरी लागे से, लेकिन तू ये तो बता कि ये जोड़ा तुझे किसने लाकर दिया? तब अनिका कहने लगी, काकीसा ये जोड़ा तो बापू लाए हैं मारे वास्ते, कह रहे थे कि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा है। अनिका के मुंह से ये सुनते ही जमुना अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी
इसका मतलब आज थारो बापू थारी शादी कर देगो। ये सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सच में काकी सा, क्या सच में मेरी गुड्डी की तरह आज मेरी भी शादी हो जाएगी? क्या आज मुझे मेरा गुड्डा मिल जाएगा? ये सारे सवाल पूछते हुए अनिका बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो शादी का मतलब नए कपड़े पहनना, तैयार होना और बस कुछ विधियां करना ही था। उसे ये नहीं पता था कि शादी होने के बाद उसे अपने बापू का घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। अनिका को तो बस इतना ही पता था कि पहले शादी होती है और फिर गुड्डा गुड्डी वापस अपने घर लौट जाते हैं, जैसे अनिका अपनी गुड्डी अपने साथ वापस ले आती थी। लेकिन जमुना तो सब कुछ जानती थी, इसलिए जैसे ही उसे पता चला कि आज अनिका की शादी होने वाली है, उसके चेहरे पर खुशी के बजाय मायूसी छा गई थी, क्योंकि जमुना खुद भी इस बाल विवाह की परंपरा की भेंट चढ़ चुकी थी। इसलिए कम उम्र में ही अपने माँ बाप के साथ छूटने के दर्द से भली भांति परिचित थी। लेकिन अब जब अनिका के बापू ने अनिका की शादी का फैसला कर ही लिया था, तो भला जमुना इसमें क्या कर सकती थी? जमुना अपनी ही सोच में गुम थी कि तभी अनिका ने जमुना से फिर से पूछ लिया, बताओ ना काकी सा, मैं इस जोड़े में चोखी लागू के नहीं? तब जमुना ने अनिका के मासूम चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, हानी छोरी, तू तो आज घनी चोखी लागे से। इतना कहकर जमुना ने अपनी आंखों से काजल लेकर अनिका के कान के पीछे एक काला टीका लगा दिया और फिर सोचने लगी कि आज अनिका की माँ जिंदा होती तो शायद अनिका को इस बाल विवाह की भेंट चढ़ने से रोक लेती। उसके बाद नम आंखों से जमुना ने अनिका का बाकी बचा हुआ श्रृंगार पूरा किया और उसे बिल्कुल एक प्यारी सी गुड़िया की तरह तैयार कर दिया। आज सच में अनिका बहुत ही प्यारी लग रही थी। लंबे काले बाल, भूरी भूरी आंखें, दूध जैसा सफेद रंग, मानो कोई परी उतर आई हो स्वर्ग से। अनिका तो बिना मेकअप के ही इतनी खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज तो शादी के 16 श्रृंगार ने अनिका के रूप को और भी निखार दिया था। अनिका को अच्छा अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था और आज उसे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की थी कि आज उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। लेकिन उस मासूम को ये कहाँ पता था कि शादी वाले दिन दुल्हन को तो पूरा दिन भूखा रहकर उपवास रखना पड़ता है। अनिका अभी तो सिर्फ 12 साल की बच्ची थी, उसे भला ये सब कैसे पता होता? शाम होते ही अनिका की बारात भी आ चुकी थी, लेकिन बारात में सिर्फ कुछ ही लोग शामिल थे। अपनी बारात को देखते ही अनिका जमुना से कहने लगी, देखो देखो काकी सा, मेरा गुड्डा आ गया। जमुना ने अनिका से कहा, अभी शांत बैठ जा गुड़िया, नहीं तो थारे बापू फिर से थारे पर गुस्सा करेंगे। थोड़ी ही देर में पंडित जी आकर तेरा ब्याह करवाएंगे, तब जैसा जैसा पंडित जी करने के लिए कहेंगे ठीक वैसा वैसा ही करना। अनिका ने हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, ठीक है काकी सा। और फिर थोड़ी ही देर में पंडित जी भी आ गए और उन्होंने जो भी शादी की विधियां बताई, अनिका ठीक वैसा ही करती गई। लेकिन जब वरमाला का वक्त हुआ, तब अनिका के हाथ दूल्हे के गले तक भी नहीं पहुंच रहे थे। अनिका का होने वाला दूल्हा 6 फीट का काफी हट्टा कट्टा मर्द था। दूल्हे के गले में वरमाला पहनाने के लिए अनिका के बापू ने उसे गोद में उठाया था, तब जाकर कहीं अनिका ने अपने दूल्हे के गले में वरमाला पहनाई थी। ये सब देखकर तो पंडित जी भी हैरान हो गए थे और फटी आंखों से अनिका के बापू की तरफ ही देख रहे थे। अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए अनिका के बापू पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, आप अपने मंत्र जारी रखें। वो क्या है ना कि दूल्हा कद काठी में बहुत ही अच्छा खासा है और बच्ची के हाथ दूल्हे के गले तक नहीं पहुंच रहे थे, इसीलिए वरमाला पहनाने के लिए गोद में उठाना पड़ा है। पंडित जी हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे और फिर कहने लगे, आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। कानून के मुताबिक आप इस बच्ची की शादी 18 साल की उम्र के पहले नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध है।
तब अनिका के बापू कहने लगे, देखिए पंडित जी, बात ये है कि आजकल मैं बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लाग्यो सू, और अब मारी जिंदगी को कोई भी भरोसा नास्ते कि कब भगवान के घर से बुलावो आ जावेगो। इस बच्ची की माँ यानी कि मेरी लुगाई भी जिंदा नास्ते, कल को अगर मने कुछ हो जावेगा तो मारी इस बच्ची का क्या होगा और कौन इसे संभालेगो। इसलिए मैं ये चाहूँ कि मारे जाने से पहले ही मैं मारी इस बच्ची की शादी एक ऐसे घर में कर दूँ जहाँ उसे कभी कोई भी तकलीफ ना होवे और मैं भी सुकून से मर सकूँ। उसके बाद भी जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू नहीं किए, तब अनिका के बापू ने अपने बोलने का अंदाज बदलते हुए कहा, पंडित जी थारो काम से शादी करवानो और मैंने तन्ने रुपए मारी ऊपर भाषण झाड़ने के लिए ना दिए हैं, शादी कराने वास्ते दिए हैं। पंडित जी तम तमहारो काम करो और मन्ने मारो काम करण दो। पंडित जी तो अपना काम करने ही आए थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, और फिर उन्होंने अनिका की शादी संपन्न करा दी और अपने रास्ते निकल गए। शादी खत्म होने से पहले अनिका को भी बाकी दुल्हनों की तरह उपवास कराया गया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। शादी खत्म होते ही जमुना जल्दी से अनिका के लिए उपवास का खाना लेकर आई और उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये सोचकर कि पता नहीं फिर कब ऐसा मौका मिलेगा जब वो अनिका को अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। खाना खाकर जैसे ही अनिका कमरे से बाहर निकली तो देखा कि बाहर तो बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। अड़ोस पड़ोस से कुछ औरतें भी आई हुई थीं, जो बिना पलक झपकाए बस अनिका को ही देखे जा रही थी। उसके बाद जमुना ने अनिका को ले जाकर एक आदमी के पास बिठा दिया और ये वही आदमी था जिसके गले में वरमाला डालने के लिए अनिका के बापू ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। अनिका बड़ी हैरत से उस आदमी को देखे जा रही थी, क्योंकि उस मासूम को तो ऐसा लगा था कि उसका गुड्डा तो उसकी उम्र का ही होगा। नन्ही सी अनिका सोच में पड़ गई कि भला ये आदमी मेरा गुड्डा कैसे हो सकता है। अनिका तो कब से यही सोच रही थी कि उसका गुड्डा तो कोई और होगा। अपने दिमाग में चल रहे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मासूम अनिका आंगन में हर तरफ अपनी नजरें दौड़ा रही थी कि अब कहीं से उसे उसका गुड्डा दिख जाएगा। लेकिन जब अनिका को अपनी उम्र का कोई गुड्डा नजर नहीं आया, तब वो पास में बैठे आदमी से सवाल करने लगी, काका सा मारो गुड्डो कहाँ से, अभी अभी मेरी उससे शादी हुई से, लेकिन मारो गुड्डो तो मन्ने कहीं नजर ही ना आवे से। अनिका के इस सवाल पर वो आदमी गुस्से से तिलमिला उठा और कहने लगा, चुप कर छोरी, काको होगो थारो बाप। उस आदमी के इस तरह गुस्सा करने पर अनिका बहुत ही ज्यादा डर गई और शांत होकर बैठ गई थी। कुछ ही देर बाद अनिका की विदाई का समय भी आ गया, तब उसे पता चला कि अब उसे हमेशा के लिए अपने बापू के घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मासूम अनिका इसके लिए अभी तक तैयार नहीं थी, इसलिए वो जोर जोर से रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, बापू बापू मन्ने ना जानो है कथे भी, मैं तो थारे साथ ही रहना चाहूँ। उसके बाद अनिका रोते हुए जोर जोर से जमुना को पुकारने लगी और कहने लगी, काकेसा काकेसा मैं ना जाना चाहूँ कहीं भी, मन्ने बापू के साथ ही रहना है, अभी तो मन्ने थारा हाथों से जिमना भी बाकी से। तब जमुना अनिका के पास आए और उसे समझाते हुए कहने लगी, मारी छोरी अब तो थारो ब्याह हो गयो से, अब तो जानो जरूरी से। कुछ ही देर बाद रोते बिलखते अनिका अपने बापू की दहलीज पार करके उस आदमी के साथ जा चुकी थी। उस आदमी ने अनिका को टैक्सी में बिठाया और खुद भी जाकर उसके पास में बैठ गया। उस आदमी को अपने पास बैठा देखकर अनिका बहुत ही घबरा गई थी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल भी हो गई थी, जब उसे जमुना की कही बात याद आ गई। जमुना ने विदाई के समय अनिका को शांत करने के लिए कहा था, रो मत छोरी, आज को दिन तन्ने वहाँ रहनो है, कल तो तू वापस आ जावेगी।
मासूम अनिका ने ये समझ लिया था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी और घर में जा रही है, क्योंकि उनके गुड्डा गुड्डी की शादी में भी तो ऐसा ही होता था कि कुछ वक्त के बाद गुड्डी अपने घर वापस आ जाती थी और अगले दिन फिर से गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाया जाता था। अनिका के पास बैठते ही उस आदमी ने अनिका का हाथ पकड़ लिया और उस आदमी के हाथ पकड़ते ही अनिका घबराहट के मारे कांपने लगी थी। वो आदमी बड़ी अजीब नजरों से अनिका को देख रहा था और उसके इस तरह से देखने से अनिका को बहुत ही उलझन महसूस हो रही थी। अनिका अभी तक तो 12 साल की छोटी सी और मासूम सी बच्ची थी और जिन नजरों का वो सामना कर रही थी वो उस आदमी से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब अनिका ने उस आदमी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो उस आदमी ने अनिका का हाथ इतनी जोर से दबाया कि वो दर्द से चिल्ला उठी। अनिका ने उस आदमी से कहा, मन्ने दर्द होवे से मारा हाथ ने छोड़ दो। तब वो आदमी कहने लगा, चुपचाप बैठी रे छोरी, थारो बिंदु में मारी मर्जी में जो आवेगो मैं वही करूं। उस आदमी का ऐसा गुस्से वाला मिजाज देखकर अनिका पूरा रास्ता डरी हुई और सहमी हुई अपनी जगह बैठी रही। कुछ देर बाद वो आदमी अनिका को लेकर अपने घर पहुंच गया था। जैसे ही उस आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो सामने एक जवान औरत खड़ी थी। उस औरत की उम्र करीब करीब 27-28 साल की होगी और वो औरत हैरत से अनिका को और उस आदमी को देखे जा रही थी। उस औरत को देखकर वो आदमी कहने लगा, इब यही खड़ी खड़ी मारो मुंह ताकती रेवेगी या आरती का थाल भी लावेगी। ब्याह वो है मारो इस छोरी से, सौतन है ये थारी। ये सुनकर उस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी वो औरत चुपचाप आरती का थाल सजाकर अनिका और उस आदमी की आरती करने लगी। उसके बाद उस औरत ने उस आदमी से कहा, शादी करने से पहले इसकी उम्र का तो ख्याल कर लेनो थो, कितनी छोटी सी बच्ची से आ। तब वो आदमी कहने लगा, मनहूस औरत, आजकल कुछ ज्यादा ही जुबान चालने लगी से थारी, अपनी बकवास बंद कर और मन्ने और मारी लुगाई ने अंदर जाने दे। उस आदमी के इतना कहते ही सामने के कमरे से सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत बाहर आई और उस आदमी पर चिल्लाने लगी, मत मारी गए से थारी, इतनी सी छोरी संग ब्याह रचाने में तन्ने जरा सी भी शर्म ना आई। तब वो आदमी कहने लगा, बस भी करो मासा, कोई पाप थोड़ी ना कियो से मैंने, शादी करके लुगाई बनाई से मारी। थारी इस लाडली बहू ने तो पिछले 9 साल में एक बच्चा ना जन के दियो मन्ने, अब कैसे भी करके मन्ने मारो वारिस चाहिए और मन्ने मारी बुढ़ापे की लाठी चाहिए। तब उस आदमी की माँ उसे कहने लगी, बच्चा जड़ने के खातिर तन्ने सिर्फ आ एक ही छोरी नजर आई से क्या, तन्ने आ कम उम्र और छोटी सी बच्ची को छोड़कर और कोई ना मिली, तन्ने खुद शीशे में देख और जरा इस मासूम में देख। वो आदमी अपनी माँ से कहने लगा, बस बस मासा, बहुत हो गया, अभी घड़ी मारो भेजो खराब ना कर। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी माँ को धकेल दिया तो वो बेचारी गिरते गिरते बच गई, क्योंकि उस आदमी की पहली पत्नी ने अपनी सास को तुरंत ही सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। उस आदमी की पहली पत्नी अपनी किस्मत पर रोए जा रही थी और वो आदमी अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। मासूम अनिका तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो आदमी उसे कमरे में क्यों ले गया है। उस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया तो अनिका बहुत ही डर गई थी और सहमी सी चुपचाप एक जगह खड़ी हुई थी। वो आदमी कहने लगा, ए छोरी, जा और जाकर बिस्तर पर बैठ जा। और फिर अपने आप में ही बड़बड़ आने लगा, शादी का सारा मजा किरकिरा कर दिया इन दोनों औरतों ने। अनिका चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। उस आदमी ने अनिका से कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले छोरी, मारो दिमाग आज वैसे भी बहुत गर्म हो गयो से, तो अब मैं थारो एक भी नखरों बर्दाश्त नहीं करूँगा।
अब जो कुछ भी मैं थारे साथ करूं, ज्यादा रोने की या चिल्लाने की कोशिश भी मत करियो, वरना आज तू घनी पछतावेगी। उन दोनों औरतों ने मिलकर जो मारो दिमाग खराब कियो से, उसका सारा गुस्सा मैं थारे पर निकाल दूंगा, समझ गए ना? अनिका उस आदमी की बातों का मतलब समझ तो नहीं पाई थी, हाँ लेकिन डर जरूर गई थी, और इसी डर की वजह से अनिका ने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन फिर वो आदमी अनिका के करीब आकर बैठ गया और उसने अनिका का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आज तो तू घनी चोटकी लागे से, इतनो रूप रंग लाई कहाँ से है छोरी? तन्ने देखकर तो मारे हृदय में जज्बातों का तूफान उभर आया से। उस आदमी ने अनिका को मजबूती से पकड़ रखा था और फिर जब उसने अनिका के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी, तब मासूम अनिका पूरी तरह से कांप गई थी। और फिर वो आदमी अपनी बड़ी बड़ी मूछों को मरोड़ते हुए कहने लगा कि थारो रूप देखकर मारो जी करे से कि आज मारो सारो जुनून थारे पर उतार दूं। उसके बाद उस आदमी ने अनिका का दुपट्टा उतार कर साइड पर रख दिया और वो अनिका के बालों का जुड़ा खोलने लग गया। ये सब देखकर अनिका की हालत तो ऐसी हो गई थी कि उसका दिल तो जैसे अभी धड़कना ही छोड़ देगा। अनिका डर के मारे थर थर कांप रही थी और वो आदमी अनिका को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो आदमी कहने लगा, छोरी थारो आ रूप रंग तो आज मन ने पागल बनाकर ही छोड़ेगो। इतना कहकर जो हरकत उस आदमी ने अनिका के साथ करना शुरू की थी, अनिका की हालत तो ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। अनिका जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी, तब वो आदमी गुस्से से अनिका के गले पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या कर रही से छोरी, चुप कर नहीं तो थारो गलो घोंट कर रख दूंगो। कि तभी कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और उस आदमी ने तुरंत ही अनिका को छोड़ दिया था और फिर कहने लगा, इन दोनों औरतों को घड़ी भर पन चैन ना से, अभी इन्हें ठीक करके आवूसू। जैसे ही उस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने उसकी माँ खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उस आदमी की माँ ने उसके मुंह पर कसकर एक तमाचा लगाया और कहा, भैरो पागल हो गयो से तू, तू इंसान नहीं जानवर बन गयो से। मन ने पता हो तो कि तू बड़ा होकर ऐसी ओछी हरकत करेगो तो मैं थारे पैदा होते ही थारा गला दबा देती। इतना कहकर उस बूढ़ी औरत ने धक्का देकर अपने बेटे भैरो को पीछे किया था। छोटी सी अनिका तो रोए जा रही थी और उसका पूरा का पूरा शरीर कांप रहा था। भैरो की माँ अनिका के पास आई और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाने लगी। लेकिन तभी भैरो सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मासा छोड़ इनने, यह मारी लुगाई से। और फिर अपनी माँ को बताने लगा कि मारो इससे ब्याह हो से, और इससे ब्याह करण खातिर मैंने इसके बापू को पूरे 2,00,000 रुपए नकद दिए हैं। तब भैरो की माँ ने कहा, अगर तू चाहे कि मैं थारो मुंह ना तोड़ दूं, तो मारे रास्ते से हट जा। इवा बच्ची की वो उम्र ना से कि ये तन्ने झेल सके। आ थारी लुगाई से तो थारी लुगाई ही रेवेगी, लेकिन जब तक इकी उम्र 18 साल की ना हो जाती, मैं तन्ने इके साथ इतना बड़ा जुर्म करने ना दूंगी। भैरो की माँ बहुत गुस्से में थी और वो अनिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। तभी सामने भैरो की पहली पत्नी भी वहीं खड़ी थी और वो अभी भी रोए जा रही थी। अनिका भैरो की माँ के साथ उनके कमरे में चली गई और भैरो की माँ ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी। और फिर अनिका के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, उस जानवर ने इतनो बड़ो जुर्म कर दियो से थारे साथ कि मैं थारे से नजरे भी ना मिला सकूं। इतनी कच्ची सी उम्र में, वो भी इतने बड़े इंसान के साथ ब्याहने में थारे बापू को भी शर्म ना आई। अनिका तो सिसकियां ले लेकर रो रही थी, उस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता था कि शादी क्या होती है। उसे क्या पता था कि यह सब क्या था जो भैरो ने अभी कुछ देर पहले उसके साथ करने की कोशिश की थी।
अनिका को तो भैरो नाम से ही डर लगने लगा था। उसने भैरो की माँ से कहा, सासु माँ, मन्ने डर लागे से उस आदमी से, जो खुद ने मारो बिंद बतावे से, कहीं वो फिर से मन्ने अपने कमरे में लेकर तो ना जावेगा ना। तब भैरो की माँ कहने लगी, ना छोरी, जब तक मैं जिंदा रहूं, थारो कोई बाल भी बांको ना कर सके से। तू चिंता ना कर छोरी, थारे साथ कोई जुर्म ना होने दूं मैं। उसके बाद भैरो की माँ ने अनिका को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, हे माता रानी, देखो तो कितनी बुरी तरह से कांप रही है मारी छोरी, पूरो शरीर बर्फ जैसो ठंडो पड़ गयो से। छोरी तन्ने चिंता करने की कोनो जरूरत ना से, जब तक मैं जिंदा रहूं, तन्ने कोई भी मरद हाथ ना लगा सकेगो, चल इब सो जा जल्दी से। माँ की ममता क्या होती है, ये तो अनिका ने आज अपनी सास के सीने से लगकर महसूस किया था। फिर पता नहीं कब रोते रोते अनिका की आंख लग गई, और फिर सुबह किसी शोर शराबे के कारण उसकी आंख खुल गई थी। अनिका तुरंत ही उठकर बैठ गई और उसे कमरे के बाहर से भैरो के लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। भैरो की माँ भी उस पर चिल्ला रही थी और झगड़े की आवाज सुनकर अनिका घबराकर एक कोने में जाकर छिप गई थी। थोड़ी देर बाद भैरो की माँ कमरे में आई और अनिका को डरा हुआ देखकर बोली, चिंता ना कर छोरी, मैंने उस जानवर को समझा दियो से, वो दोबारा थारे पास ना आवेगो। समय यूं ही गुजरने लगा था। पता नहीं भैरो की माँ ने उसे क्या समझाया था कि अब वो अनिका के करीब नहीं जाता था। हाँ, ये बात जरूर थी कि भैरो को देखते ही अनिका अभी भी बहुत घबरा जाती थी। जब भी भैरो घर में होता था तो अनिका अपनी सास के कमरे में छिपकर बैठ जाती थी और अंदर से कुंडी भी लगा लेती थी। अनिका की सास बहुत ही अच्छी थी और भैरो की पहली पत्नी देविका भी बहुत ही अच्छी औरत थी, और वो दोनों मिलकर अनिका का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन देविका ने अनिका से पूछा, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? तब अनिका ने कहा, मैंने तो अभी तक कभी स्कूल की शक्ल तक ना देखी से, मारे बापू ने तो कभी मारो स्कूल में दाखलो भी ना करायो से। तब देविका कहने लगी, मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की से। और फिर उस दिन से ही देविका ने घर में ही अनिका को पढ़ाना शुरू किया, और 6 महीने में ही देविका ने अविका को इतना कुछ सिखा दिया था कि अविका को इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़नी लिखनी आ गई थी। अनिका छोटे छोटे शब्द अब खुद ही पढ़ लिख लेती थी, और फिर देविका ने एक पास के ही स्कूल में अनिका का दाखिला भी करवा दिया। अनिका अपनी क्लास में सबसे बड़ी छात्रा थी। 12 साल की उम्र में वो 3री क्लास में पढ़ रही थी। अब तो अनिका का पूरा दिन अपनी सास और अपनी सौतन देविका के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजरता था। लेकिन रात को जैसे ही भैरो के आने का समय होता था, अनिका डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुप कर बैठ जाती थी। ऐसे ही करते हुए 3 साल गुजर गए और अब देविका 15 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान पृथ्वी ने भी अनिका की स्कूल में दाखिला ले लिया था, क्योंकि अनिका के गांव की स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाया जाता था। इसलिए 5वीं कक्षा के बाद पढ़ने के लिए बच्चे आसपास के गांव की स्कूल में दाखिला ले लेते थे, क्योंकि गांव के बीच की दूरी ज्यादा ना होने की वजह से बच्चे या तो पैदल या फिर साइकिल से स्कूल आते जाते थे। पृथ्वी और अनिका तो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए पृथ्वी के इस स्कूल में आने के बाद वो अनिका की पढ़ाई में बहुत मदद किया करता था। पृथ्वी और अनिका की उम्र लगभग एक बराबर ही थी, लेकिन पृथ्वी अब 9वीं कक्षा में आ चुका था और अनिका अभी 6ठी कक्षा में ही पढ़ रही थी। अनिका की शादी के वक्त पृथ्वी भी छोटा था, इसलिए उसे भी तब शादी ब्याह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। एक दिन बातों बातों में पृथ्वी ने अनिका से पूछा, अनिका, साची में थारी शादी उस बूढ़े से हुई से क्या? तब अनिका ने नजरें चुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया था। पृथ्वी बहुत अच्छा लड़का था, वो बचपन से ही अनिका का बहुत ख्याल भी रखता था। लेकिन अब तो स्कूल में अगर कोई भी बच्चा अनिका को चिढ़ाता कि तुम इतनी बड़ी होकर अभी तक 6ठी क्लास में ही क्यों हो,
तो पृथ्वी अनिका की ढाल बनकर उन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता था, क्योंकि शादी के बाद अनिका बहुत ही डरपोक बन चुकी थी। शादी से पहले धाकड़ टाइप की और किसी को भी कुछ भी जवाब देने वाली अनिका अब बहुत जल्दी डर जाया करती थी। शायद इसकी वजह भी भैरव ही था, जिसके साथ शादी होने के बाद अनिका मर्दों से डरने लगी थी। एक बार अनिका जब स्कूल से घर वापस आई तो उसकी सौतन देविका बहुत रो रही थी और उसकी सास उसे चुप करवा रही थी। अनिका ने आते ही अपनी सास को पूछा, सासु माँ कि हो से जीजी ने, जीजी रो क्यों रही से? तब उसकी सास ने बताया कि देविका की माँ का देहांत हो चुका है। ये सुनकर अनिका की आंखों से भी आंसू छलक पड़े, क्योंकि अनिका बचपन से ही अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी। इसलिए अनिका को ये पता था कि माँ के ना होने का दुख क्या होता है। अनिका ने अपनी सौतन देविका, जिसे वो जीजी कहकर पुकारती थी, उसके आंसू पोंछे और उसे पानी भी पिलाया। लेकिन देविका तो अपनी माँ के गम में अभी भी बहुत रोए जा रही थी। अनिका की सास अनिका से कहने लगी, देख छोरी, बड़ी बहू की माँ को देहांत हो गयो से तो हम सबको तो उनके अंतिम दर्शन करने जानो पड़ेगो, लेकिन तू अभी छोटी से तो तन्ने हम ना ले जा सके हैं, तन्ने अच्छे ही रहनो पड़ेगो, थारी जीजी ने तो वहाँ रुकनो पड़ेगो, पर मैं और भैरव कुछ घंटों में ही लौट आवेंगे, तू हम सब की चिंता मत करना और हाँ खानो बना रखो है, खाकर सो जाना। अनिका ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सासु माँ। उसके बाद अनिका की सास, उसकी देविका जीजी और भैरव देविका के मायके जाने के लिए घर से निकल चुके थे। उनके जाते ही अनिका ने घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया और खाना खाकर सो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही अनिका को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी। अनिका को ऐसा लगा कि उसकी सासुमा वापस आई होंगी, इसलिए उसने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन अपने सामने भैरव को खड़ा देखकर अनिका की तो मानो सांसें ही रुक गई थी। अनिका डर के मारे पीछे हट गई और भैरव ने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी थी। अनिका जल्दी से अपने सास के कमरे की तरफ भागने लगी, ताकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दे। लेकिन इसके पहले कि अनिका कमरे तक पहुंच पाती, भैरव ने अनिका की बाजू पकड़ ली और कहने लगा, आज मैं देखूं कि तन्ने कौन बचावे हैं मारे से। भली होवे मारी सासुनी जो इस वक्त मर गई, कम से कम उन दोनों औरतों ने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन तन्ने घर में अकेला तो छोड़ा से। अनिका भैरव के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मन्ने छोड़ दो, मन्ने थारे से घनो डर लागे से। भैरव अनिका से कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी, आज मैं थारी एक ना सुनू। इतना कहकर भैरव अनिका को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। भैरव ने अनिका को बेड पर जोर से पटकते हुए कहा, तू मारी लुगाई से लुगाई, इब मारी मासा की तो उम्र हो 40 से, उसने ना पता है कि वो तन्ने मारे से दूर रखकर कितनों पाप कमा रही से, लेकिन आज मैं देखूं कि तन्ने कौन बचावे हैं मारे से। इतना कहकर भैरव ने अनिका के मुंह पर पट्टी बांध दी और कहने लगा, घनो चीखनो चिल्लानो आवे हैं तन्ने, आज मैं भी देखूं कि तू कैसे चीखे से। 6 फीट का हट्टा कट्टा भैरव अनिका पर हावी हो चुका था और आज उसने पति पत्नी की मर्यादा की सारी हदें पार कर दी थी। मासूम अनिका दर्द से तड़प रही थी, लेकिन उस जानवर जैसे इंसान भैरव के सीने में तो जैसे दिल ही नहीं था जो अनिका की तकलीफ को समझ पाता। अनिका तो भैरव के सामने एक कमजोर सी लड़की थी जो उसके पाप का शिकार बन चुकी थी। अनिका तो आज ऐसा महसूस कर रही थी जैसे आज उसने अपनी मौत का सामना कर लिया हो। अनिका की आंखों के आंसू उसके गालों से बहते हुए तकिए में समा रहे थे। भैरव अपनी मनमानी कर चुका था और अब उसने अनिका के मुंह से पट्टी भी हटा दी थी। पट्टी खुलने पर अनिका मुश्किल से एक गहरी सांस ले पाई थी
और उसकी बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी। अनिका की ऐसी हालत देखकर वो जानवर भैरव बहुत ही खुश हो रहा था और फिर वो मुस्कुराते हुए नहाने चला गया। अनिका की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी कि तभी घर का दरवाजा एक बार फिर से जोर जोर से खटका था। भैरव नहाकर बाहर निकला तो अनिका को देखकर उसके सामने हंस रहा था। अनिका ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया क्योंकि उसे भैरव से घिन महसूस हो रही थी। घर का दरवाजा खुलते ही अनिका की सास भागती हुई अनिका के कमरे में आई थी। अनिका और उसके बेड की हालत देखकर अनिका की सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये सब देखते ही उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और उनके मुंह से हाय राम ये सब के हो गयो की चीख निकल गई थी। अनिका की सास उसके पास गई और अनिका को अपने सीने से लगाए रोने लगी और फिर अपने बेटे भैरव को भला गोरा कहने लगी। मन्ने ना खबर थी छोरी कि वो जानवर मन्ने वहाँ अकेला छोड़कर अट्ठे चलो आवेगो। जो मन्ने इस बात की जरा सी भी भनक लगती तो मैं तन्ने अट्ठे कोई भी अकेला ना छोड़ती। अनिका की सास अनिका से माफी मांगने लगी और कहने लगी, छोरी मैं तन्ने उस जानवर के जुलम से बचा ना सकी, मन्ने माफ कर दे। उसके बाद से अनिका की सास अनिका का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तक तो अनिका स्कूल भी नहीं जा पाई थी, बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। अनिका की सौतन को जब इस बात का पता चला तो वो भी भैरव को बुरा भला कहने लगी। देविका ने पहली बार अपने पति के सामने अपनी जुबान खोली थी और कहा कि भैरव तू इंसान ना से, तू तो जानवर से जानवर। देविका और अनिका की सास अब हर रात अनिका को हल्दी वाला दूध पिलाने लगी थी ताकि उसके जख्म जल्दी से भर जाएं। कुछ दिन बाद जब अनिका की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो फिर से स्कूल जाने लगी थी। लेकिन अब अनिका स्कूल में बिल्कुल चुप चुप सी रहती थी। पृथ्वी अनिका से बात करने की बहुत कोशिश करता था लेकिन अनिका उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। एक दिन पृथ्वी अनिका के लिए एक गुड़िया लेकर आया और कहने लगा, अनिका तन्ने घनी प्यारी लागे सेना गुड़िया, देख मैं थारे वास्ते ही ये गुड़िया लेकर आयो हूँ और ये गुड़िया तो थारे जैसे ही घनी चोखी लागे से। अनिका ने पृथ्वी से वो गुड़िया नहीं ली बल्कि गुड़िया को देखते ही अनिका की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। अनिका की आंखों में आंसू देखकर पृथ्वी बहुत ही चिंतित हो गया था। पृथ्वी अनिका के पास बैठकर अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछने लगा और कहने लगा कि बात से अनिका तू घनी परेशान लागे से। अनिका ने कहा, मन्ने कोई गुड़िया की जरूरत ना से। तब पृथ्वी ने पूछा, क्यों ना से इब तन्ने गुड़िया की जरूरत। अनिका ने कहा, क्योंकि इब मैं छोटी ना रही सू, इब मैं बड़ी हो गई सुना इसलिए। पृथ्वी कहने लगा, कित बड़ी हो गई से तू, जैसी पहले थी वैसी ही इब से। अनिका ये गुड़िया मैं थारे वास्ते ही लेकर आयो थो और इब तू इस गुड़िया ने लेने से मना करे से, मारी खातिर रख ले इस गुड़िया ने। लेकिन पृथ्वी की बातें सुनकर तो अनिका फूट फूट कर रोने लगी और इससे पहले कि पृथ्वी अनिका से और कोई सवाल करता उसने अनिका की गर्दन पर नाखूनों के निशान देख लिए थे। पृथ्वी अब शायद अनिका की रोने की वजह जान चुका था क्योंकि उसे ये तो पता ही था कि अनिका भैरव की पत्नी है। इसलिए अब पृथ्वी को अनिका को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अनिका के शरीर पर लगे जख्मों के निशान देखकर वो गुड़िया पृथ्वी के हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। कुछ देर बाद पृथ्वी अनिका के पास आया और अनिका के सर पर हाथ रखकर उसे चुप करवाने लगा। अनिका ने जब अपना चेहरा उठाकर पृथ्वी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में भी आंसू थे लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया था। एक महीने बाद ही जब अनिका की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसकी सास उसे एक डॉक्टर के पास ले गई थी। लेकिन डॉक्टर ने जो खबर सुनाई थी वो सुनकर तो अनिका की सास अपना सिर पीटने लगी थी क्योंकि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही
अनिका प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसे अभी तक किसी भी चीज की कोई समझ नहीं थी। प्रेगनेंसी की हालत में अनिका को कुछ भी हजम नहीं होता था और वो जो भी खाती थी तो उसे उल्टी हो जाती थी, और उल्टी होने के बाद तो अनिका को ऐसा लगता था जैसे अभी के अभी उसकी जान निकल जाएगी। अनिका की इस हालत में भी उसकी सास और उसकी देविका जी ने ही उसे संभाला था। भैरव को जब अनिका के प्रेगनेंसी की खबर मिली तो वो भी खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, इवा विगो मारो वारिस मारो छोरो। अब तो भैरव भी अनिका का ख्याल रखने लगा था, कभी उसे फल लाकर देता तो कभी जूस लाकर देता था। भैरव अपनी माँ से कहता था, मासा इव इस छोरी में घनी ताकत वाली चीजें ठूसो तो मारो छोरो पन मारे जैसो हट्टो कट्टो मजबूत मर्द पैदा होगो। अब अनिका का स्कूल छूट गया था, लेकिन हर दिन पृथ्वी स्कूल से छूटने के बाद एक घंटे के लिए अनिका के घर चला जाता था। अनिका की सास को भी पृथ्वी के आने जाने पर कोई एतराज नहीं था। पृथ्वी हर दिन एक घंटा अनिका को पढ़ाकर अपने घर वापस चला जाता था। पृथ्वी अनिका से कहता था, मैं तन्ने हर दिन आकर पढ़ाया करूँगो, लेकिन तन्ने तारी पढ़ाई अधूरी छोड़ने ना दूंगो। अनिका ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी काहे मारी पर इतनो एहसान करे से मन्ने की करना से इब पढ़ कर। मन्ने तो मारी जिंदगी इब उस जानवर के साथ ही बितानी से, उसकी लुगाई बन कर और उसी के बच्चे जड़ने से। 15 साल की उम्र में ऐसी बातें शायद बाकी लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 15 साल की उम्र में ही अनिका बहुत बड़ी हो चुकी थी। अनिका की बातें सुनकर पृथ्वी उसे कहता था, अनिका तन्ने सिर्फ अपने वास्ते पढ़ना से कोकदी थारी की हुई पढ़ाई तन्ने ही काम आवेगी। खैर पढ़ने का शौक तो अनिका को भी था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 9 महीने बाद सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अनिका ने प्रसव पीड़ा के दर्द को भी सहन किया था। उस नन्ही सी बच्ची को तो ऐसा ही लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अपने गांव के एक छोटे से हॉस्पिटल में अनिका ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने पर सबके चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन भैरव का मुंह फूला हुआ था। भैरव अनिका से कहने लगा, करम जली छोरी क्यों जनी से तूने, मन्ने तो मारो वारिस मारो छोरो खपे से। तब अनिका की सास अपने बेटे से कहने लगी, छोरो आवे के छोरी सब माता रानी के हाथों में से। माता रानी को धन्यवाद कर जो तू एक औलाद को बाप बन गयो से। तब भैरव कहने लगा, मन्ने छोरी ना खपे से, मन्ने तो बस मारो छोरो ही खपे से। इब तू ही पाल इस छोरी ने, या उस मनहूस देविका को दे दे जिसने 9 साल में मारी एक औलाद ना जनी से। अनिका तो खुद भी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भला कैसे एक नन्ही सी जान को संभाल पाती। इसलिए अनिका की बेटी को हर वक्त देविका ही संभाला करती थी। अनिका की बेटी के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुश तो देविका थी। देविका को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे बेटी अनिका ने नहीं बल्कि देविका ने पैदा की हो। अनिका की बेटी को पैदा हुए अभी तो 2 महीने ही गुजरे थे कि भैरव पर फिर से छोरा पैदा करने का भूत सवार हो गया था। इस बार भैरव ने अपनी माँ और अपनी पहली पत्नी देविका को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर अनिका को खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही वो अनिका से कहने लगा, जब तक तू मन्ने छोरा जन के ना देगी मारा मन ने चैन ना आवेगो, छोरो तो मन्ने तू ही जन के देगी। अनिका रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, क्योंकि छोटी सी उम्र में अनिका ने बच्चा पैदा करने का जो दर्द सहा था वो दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द जो तकलीफ अनिका ने सही थी उसका जी तो चाहता था कि वो खुदकुशी करके अपनी जान दे दे। भैरव फिर से अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया और कुछ ही महीने गुजरे थे कि अनिका फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बार तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इस लड़की में इतनी ताकत नहीं है कि यह हर साल में एक बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे के वक्त ही
बड़ी मुश्किल से हमने इस बच्ची की जान बचाई थी। अब अगर इस बच्ची को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर अनिका की सास बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जब से अनिका ने अपने ससुराल में कदम रखा था, अनिका की सास ने उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो अनिका को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती थी, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं होता था कि अनिका की सास की कोख से भैरव जैसा जानवर कैसे पैदा हो गया था, जिसे ना तो लड़की की उम्र से कोई फर्क पड़ता था और न ही वो ये सोचता था कि उसकी पत्नी अभी पति पत्नी का रिश्ता बनाने लायक नहीं हुई है। भैरव जैसे जानवर को तो प्यार क्या होता है इसकी समझ ही नहीं थी। उसे अगर कुछ पता था तो बस इतना कि उसे बस अपना वारिस, अपना बेटा ही चाहिए था। लेकिन ये अनिका की बदकिस्मती थी कि उसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था। लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब अनिका बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा या फिर अनिका खुद बचेगी। अनिका की सास ने उस डॉक्टर से कह दिया कि आप इस बच्ची का ऑपरेशन कर दें ताकि अब ये एक भी बच्चा पैदा ना कर सके। आप कुछ भी करें लेकिन मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। माता रानी ने अनिका को उसकी सास के रूप में उसकी माँ ही दे दी थी। दूसरी बेटी को देखकर भैरव तो आग बबूला हो गया और कहने लगा कि इस मनहूस ने भी मन में छोरो जन के ना दियो कि ये फायदा हुआ इसे अपनी लुगाई बनाने का। इब तो ये औलाद जड़ने लायक भी ना रही, इबा छोरी तो मारे कोई काम की ना रही, इब मन ने किसी तीसरी औरत को तलाशनो पड़ेगो। और फिर कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि भैरव ने तीसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ अलग घर में ही रहता था। इसलिए भैरव अब अपने पुराने घर पर कम ही आता था जहां अनिका और उसका बाकी परिवार रहता था। अनिका की दोनों बेटियों को देविका ही पाल रही थी और अनिका भी अब सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि भैरव नाम के जानवर से अनिका का पीछा छूट गया था। अनिका ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और 26 साल की उम्र तक उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब तो अनिका की बेटियां भी स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन अनिका की बेटियां बचपन से ही देविका को ही अपनी माँ कहती थी। अनिका अब जॉब करने लगी थी और पृथ्वी भी उसके साथ ही काम करता था। एक दिन पृथ्वी और उसकी माँ जमुना अनिका के ससुराल आ पहुँचे और जमुना ने अनिका की सास से पृथ्वी के लिए अनिका का हाथ मांग लिया। जमुना अनिका की सास को कहने लगी, आप तो जानो हो कि बचपन से ही आ छोरी ने घना दुख झेलिया से। छोटी सी उम्र में माँ को सायो छीन गयो, उसके बाद सौतेले बाप ने थोड़े से रुपयों की खातिर इतने बड़े आदमी से ब्याह करवा दियो, और उसके बाद तो जो कुछ भी हो ते तो आप पन जानो सो अने मने पन खबर से। मारो छोरो पृथ्वी अनिका ने पसंद करन लागियो से, जो आप हामी भरो तो इस मासूम की जिंदगी सुधर जावेगी। तब अनिका की सास जमुना से कहने लगी, आप तो मारी छोरी खातर भगवान बनकर आया सो। तब जमुना कहने लगी, अरे ना ना, आ छोरी तो बचपन से ही मारा जिगर नो टुकड़ो रही से। मैं और इसकी माँ कमला तो इसके बचपन से ही सोचने लगी थी कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करावेंगे, लेकिन जब इस मासूम को ब्याह नक्की हो तब पत्तो लागियो कि अनिका के बापू ने इसकी शादी के बदले में मोटी रकम खपे से, और इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं भला। लेकिन यही माता रानी ने फिर से मन ने एक मौको दियो से, जिससे इसकी जिंदगी भी सुधर जावेगी और मारी सहेली मंगला की आत्मा को भी शांति मिल जावेगी। जब दोनों परिवार ने शादी के लिए अपनी हामी भर दी तब अनिका ने इस शादी से इनकार कर दिया। अनिका ने शादी से इनकार करते हुए जमुना से कहा, ना काकीसा, इब मैं पृथ्वी की बिंदनी बनने लायक ना रही सू और ना मैं थारी बहू बनने लायक रही सू। तब जमुना ने कहा, ए छोरी ऐसो ना बोल बावरी, मन्ने खबर से जो कुछ भी हो
इन सब में थारी कोई गलती ना से। तब अनिका ने कहा, पर काकी सा, इब मैं कभी तन्ने दादी बनने को सुख ना दे पाऊंगी, इब मैं कभी माँ ना बन पाऊंगी। अनिका किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया था। कि तभी देविका बीच में बोल पड़ी, तन्ने कोने के भी बावरी कि तू माँ ना बन पावेगी। अनिका ने कहा, सासू माँ ने जो बातें डॉक्टर ने कही थी मन ने सब सुनाई दी थी। देविका ने कहा, ना बावरी, तू माँ बन सके हैं। थारी बेहोशी के वक्त डॉक्टर ने मन्ने और सासू माँ ने एक उपाय जनायो तो जिससे कि थोड़े वक्त के लिए तू बच्चे पैदा ना कर सके हैं, लेकिन ये कमी तन्ने जिंदगी भर ना झेलनी पड़े हैं। डॉक्टर ने थारो ऑपरेशन ना कियो से बावरी, फकत थारा माँ कॉपटी बिठायो से। जब भी तू माँ बनना चाहे तब तू डॉक्टर ने कहीं ने कॉपटी निकलवा सके हैं। ये सुनने के बाद तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी, और अब तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो शादी में बाधा डाल सकती थी। भैरो को भी अपनी तीसरी पत्नी से बेटा मिल चुका था, इसलिए उसे भी अब अनिका की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहा था। लेकिन एक बार फिर भी जब अनिका ने अपनी बेटियों के बारे में सोचा तब उसके कदम रुके जरूर थे, लेकिन फिर देविका का ख्याल आते ही उसने अपने मन को समझा लिया था, क्योंकि अनिका अपनी बेटियों को उनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही अनिका की दोनों बेटियाँ देविका को ही अपनी माँ मानती थी, और देविका के लिए तो उसकी बेटियाँ ही उसके जीने का सहारा थी। इसलिए अनिका ने अपनी दोनों बेटियाँ हमेशा के लिए देविका को सौंप दी थी। उसके बाद अनिका की सास ने भैरों से अनिका को तलाक दिलवाया और फिर अनिका की शादी पृथ्वी से करवा दी। जमुना तो बचपन से ही अनिका को माँ का प्यार देती आई थी, लेकिन पृथ्वी के प्यार ने तो अनिका के जीवन में मिश्री के जितनी मिठास भर दी थी, और इसी मिठास ने जमुना को पूरे गांव में मिठाइयां बांटने का मौका दे दिया था, जब शादी के 2 साल बाद ही अनिका ने चांद से बेटे को जन्म दिया था। भगवान ने अनिका से बचपन में जो माँ का प्यार छीन लिया था, उसके बदले में भगवान ने उसकी झोली में 2-2 माओं का प्यार और एक बड़ी बहन का प्यार डाल दिया था, और आज अनिका अपने नए परिवार में पृथ्वी और अपने बेटे के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे देश में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल बाद की तय तो कर दी गई है, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस एक परंपरा के नाम पर अपनी कम उम्र की बेटियों की शादी करवा देते हैं। लेकिन अब इन परंपराओं को बदलने का वक्त आ गया है, इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर बस एक ही विनती है कि अगर कहीं भी ऐसी छोटी और कम उम्र बच्चियों की शादी होते देखने को मिले तो कृपया उनके माँ बाप को समझाएं, ताकि वो अपनी फूलसी बच्ची को छोटी सी उम्र में शादी जैसे बंधन में ना बांधे। अगर आप सभी ने मारी आ कहानी पसंद आई से तो आप सभी ने मारो घनो घनो धन्यवाद। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।